प्रदेश सरकार ने फोरलेन प्रभावितों को झूठे आश्वासनों और तारीख के सिवाय कुछ नहीं दिया। पहले 3 वर्ष एक कमेटी बना दी गई जिसने कोई भी कार्य नहीं किया। उसके बाद एक और सब कमेटी बना दी गई लेकिन इस कमेटी ने भी कोई कार्य प्रभावितों के हक में नहीं किया। ये बात शनिवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने कही। अजय महाजन ने कहा कि सब कमेटी के हवाले से आश्वासन दिया गया था कि फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लोगों को फैक्टर 2 के तहत मुआवजा मिलने के बाद तो दूर है, बल्कि लोगों को उनकी जमीनों का जो असल मूल्य है वो भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग मापदंड रखे गए थे। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में सर्कल रेट 30 गुना बढ़ा दिया गया है, जबकि जिला कांगड़ा में सर्कल रेट 30% कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोग उजड़ रहे हैं लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। महाजन ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा कुछ ही महीनों बाद जनता अपना निर्णय सुना देगी और इस सरकार को घर बिठा देगी। हाँ जी सर, ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये किस मुद्दे को लेकर रखी है? तारीख पे तारीख, झूठे आश्वासन पे झूठे आश्वासन। इस सरकार ने जो 4 लेन प्रभावित हैं उनको इसके सिवा कुछ नहीं दिया। बड़ी अफसोस की बात है, ये जो कई कमेटीज बनी, पहले 3 साल या 4 साल एक कमेटी बनी जिसने कहा कि 4 लेन प्रभावितों का जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा, कुछ नहीं बना। उसके बाद एक और सब कमेटी बनी, कैबिनेट सब कमेटी बनी, जिसमें हमारे लोकल मंत्री भी थे, महेंद्र सिंह जी उसके मुखिया थे, और उनके पास जब बहुत बड़ी तादाद में धर्मशाला में सेशन के दौरान ये जो कमेटीज, पूरे स्टेट की कमेटीज के सदस्य मिलने गए, तो उनको आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सब कमेटी जो है फैसला सुनाएगी और आपके हक में फैसला सुनाएगी। आज 1.5 महीना हो गया है और इस सब कमेटी ने अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया। जहां तक बहुत बार ये संघर्ष समितियों ने भी इसकी बात उठाई और हमने भी पार्टी की तरफ से बात उठाई कि जहां रेट जमीनों के थे 5 लाख या 10 लाख रुपया मरला, वहां 30 या 40 हजार रुपया मरला दिया गया। फैक्टर 2 की तो बहुत दूर की बात है, जो ओरिजिनल रेट्स हैं वो भी बहुत कम दिए गए। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग मापदंड रखे गए एक्विजिशन रेट्स के लिए। कई जगह जो सर्कल रेट था कई जिलों में उसको 20 गुना 30 गुना किया गया, और कांगड़ा में जो सर्कल रेट है उसको, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो सर्कल रेट है, जो हमारे प्रभावित लोग थे उसको सर्कल रेट को भी 40% कम कर दिया गया। एक जो रेट्स अनरीजनेबल लिए, 10 लाख की चीज आप 30 हजार में ले रहे हो और दूसरा सर्कल रेट आप और कम कर रहे हो। उसके अलावा जो बिल्डिंग्स की बात है, 59,000 रुपीज स्क्वायर फुट नोटिफाई हुआ था डीसी कांगड़ा के माध्यम से, और उसमें आज की डेट में जो है रेट्स बहुत कम दिए जा रहे हैं। लोग उजड़ रहे हैं, सरकार को परिवार नहीं, सब इनके पास कई बार अनेकों बार गए पर इनके ऊपर कोई असर नहीं है। मैं एक बार फिर सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, ये जो हमारे साथी उजड़ने जा रहे हैं इनकी पीड़ा सुनो, आवाज सुनो और एक उचित निर्णय लो कि ये जो लोग हैं कि अपने तबाह ना हो जाएं। और अगर आप ये नहीं
सही निर्णय नहीं लोगे तो लोग आपको कुछ ही महीनों के बाद अपना निर्णय सुना देंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।